जंगल, माटी और पानी, इससे हर व्यक्ति जुड़ा होता है। लेकिन एक ऐसा समाज है जिसका यही जीवन है, कौन है वो? आदिवासी समाज, ट्राइबल सोसाइटी। जी हाँ, अगर आप एक बहुत फेमस बुक पढ़ेंगे जिसका टाइटल है फॉरेस्ट लैंटर्न, जिसे वर्जीनियस ज़्यादा ने लिखा है, तो इसे आप ये पढ़ेंगे इस बुक में कि ट्राइबल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या है, वो किस किस अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो सोचिए, अगर हम उस वक्त की बात करें, ब्रिटिश एरा की बात करें, जब लैंग्वेज, कल्चर, लॉज, रूल्स, इवन गॉड्स भी एक फॉरेन एंटिटी के द्वारा थोपी गई थी, तो ट्राइबल सोसाइटी इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? और हाँ, यहीं से शुरू होता है एक रिवोल्यूशन, और वो रिवोल्यूशन कोई और नहीं, उनका नाम है बिरसा मुंडा। तभी तो इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट, उसका वॉर क्राइम है जय बजरंग बली, बिरसा मुंडा की जय हो। तो चलिए, 9 जून को बिरसा मुंडा जी की डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, ठीक है। इसलिए बिरसा मुंडा जी की लाइफ, उन्होंने कौन कौन से रिवोल्ट लीड किए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिवोल्ट, व्हाट वाज द आफ्टरमैथ ऑफ दैट रिवोल्ट, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी रीडिंग एंड वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। बट बिफोर द अराइवल ऑफ बिरसा मुंडा, वी विल लुक एट द सिनेरियो, द सीन्स विच वर देयर बिफोर द अराइवल ऑफ बिरसा मुंडा। ऑल राइट, ड्यूरिंग दैट पीरियड द ट्राइबल सोसाइटी इन विच ही वॉज बॉर्न, वॉट ऑल प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग। ऑल राइट, सो दिस विल बी द कॉन्टेंट दैट वी विल रीड। सो बिरसा मुंडा को लोगों ने भगवान का भी टाइटल दिया था, और उन्होंने धरती का आभा भी कहा था। धरती का आभा मतलब फादर ऑफ द अर्थ। सो वॉट ऑल वी विल बी रीडिंग टूडे, द कॉन्टेंट्स, एज आई सेड, द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज द डेथ एनिवर्सरी, 124th डेथ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, events and background before Birsa Munda, about Birsa Munda, that is Abhua Raj Ite Jana Maharani Raj Tundu Jana, उन्होंने एक नारा दिया था, हम ये भी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, और events, movement and events and movements etc. during Birsa Munda, and then last but not the least, we'll read about the outcomes of the Ugalan movement which he started and which he led. All right, so let's begin the discussion. The very first thing, as we already know, that on 9th June, there was 124th death anniversary of Birsa Munda. All right, and then some more information. So Birsa Munda ji, jo unka birth anniversary hai, all right, that is November 15th, that is celebrated as Janjati Gaurav Divas as well. It was announced by Prime Minister Narendra Modi that his birth anniversary will be celebrated as Jan जातीय गौरव दिवस। ऑल राइट, सो लेट्स टेक ऑन टू अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द डिस्कशन, एंड दैट इज इवेंट्स एंड द बैकग्राउंड बिफोर बिरसा मुंडा। सो बिफोर बिरसा मुंडा अराइव्स ऑन द सीन, व्हाट ऑल व्हिच वर द सिचुएशन इन दैट पीरियड। सो देयर वाज अ ट्राइब, द ट्राइब्स नेम वाज मुंडास। ओके, मुंडास, and a tribe, it was a tribe of nomadic hunters turned farmers. So nomadic tribes kaun the? The ones who used to move from one place to another place to collect, you know, food and other edible stuff at their daily needs, and then gradually they became hunters. All right, they used to hunt down the animals for their consumption, and then they turned to farmers throughout the various evolutionary phases. That's how Mundas evolved. Who lived in the Chota Nagpur region? So Chota Nagpur region that time was part of undivided Bihar. Today it is in Jharkhand, we all know, right? So it had to be the brunt of series of adverse policies and events. So this place had to bear lot of adverse, the brunt of the negative outcomes of the negative impact of various adverse policies and the adverse events which were happening during colonial rule. सो वॉट वॉज वट हैपन दैट कि कॉलोनियल रूल से पहले जो लैंड राइट्स थे, दोज वर कस्टमरी राइट्स, और उसका नाम क्या था उस टाइम? खुंत कट्टी। सो खुंत कट्टी, दिस वॉज द नेम ऑफ द दैट टाइम लैंड ओनरशिप, जो सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप थी मुंडास के बीच में, दैट वॉज टर्म्ड एज खुंत कट्टी, एंड इट वॉज कस्टमरी। किसी और का उसमें इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी और का इसमें इंटरफेरेंस नहीं था। इट द लैंड राइट्स यूज टू पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर फॉलोइंग सम कस्टम्स एंड रिचुअल्स। ऑल राइट, बट देन व्हाट हैपेंस
इन 1793 ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट. ऑल राइट, एंड इन परमानेंट सेटलमेंट नाउ जमींदारी वॉज द वन. सो यस, आई होप यू नो वट आर ऑल द बैकग्राउंड बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग लैंड रेवेन्यू राइट्स. सो टू कलेक्ट एंड मैक्सिमाइज द लैंड रेवेन्यू, ब्रिटिशर्स ब्रॉट मैनी लैंड रेवेन्यू सिस्टम. वन ऑफ इट वॉज दिस परमानेंट सेटलमेंट विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 1793. नाउ बिकॉज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट नाउ देर वॉज क्रिएशन ऑफ डुअल क्लास. डुअल क्लास हु? One was land owning zamindars. Before, the land was owned by the munda, the tribe of that particular region, but now the land owner rights pass to the zamindars. All right, and these outsider or the zamindars were called as dikus. So inko dikus bolte the, jo munda tribes thi, these zamindars were called as dikus, outsiders. And then another class was royats or the tenants, the ones who were tilling the soil or that land portion. All right, then there was a heightened activity of Christian missionary as well. So before the arrival of munda in the scene, what were all the situation? Permanent settlement ke through zamindars ab aa chuke hain aur wo unke paas land owner rights transfer ho chuki hai. Ab through kuntakatti system no more these mundas were able to decide on their land, you know, rights etc., land ownership etc. So now there is a dual class. One is dikus, outsiders, those who are zamindars. Also, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका वन ऑफ अदर, यू नो, जो उनका पर्पज था ये भी था अदर कि वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं. ठीक है, तो अ पार्ट ऑफ दैट मिशन बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज वर टेकन अप इन दैट रीजन जहां पे ट्राइबल्स को कन्वर्ट किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में. ठीक है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन जो लोग थे मुंडास थे उनके बीच बहुत सारा सिनिसिज्म डेवलप हो रहा था टुवर्ड्स दी ब्रिटिशर्स और टुवर्ड्स दी फॉरेन एंटिटी. तो भाई लैंड राइट्स तो जा ही रही है, उनके कल्चर भी, रिलीजन, रिलीजियस आइडेंटिटी पे भी वॉर हो ही रहा है, तो छूटा ही कहां था, सब जगह प्रॉब्लम थी. एंड देन व्हाट हैपेंड इज दैट इसकी वजह से जब डीकूज जो है देवर क्लेमिंग द लैंड ओनरशिप राइट, उसकी वजह से बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया था. और अगर आज आप कनेक्ट करें आज के टाइम से तो आप जितने भी राइट्स हैं रिलेटेड टू लैंड, और अभी अगर आपको पता हो कि देर वॉज क्वाइट इन न्यूज, दिस डिस्कशन वॉज क्वाइट इन न्यूज दैट वेन लैंड राइट्स वर यू नो स्क्रैप्ड, किस आर्टिकल्स के थ्रू जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नाउ लैंड राइट्स आर नो मोर राइट टू लैंड, यू नो राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट्स, नाउ इट्स अ लीगल राइट. ठीक है, ये सब काफी न्यूज में था. तो उसको भी अगर आप कनेक्ट करें देखेंगे कि लैंड जो होती ना, जो लैंड ओनरशिप होती है वो एक तरीके से लोग की आइडेंटिटी होती, काफी इमोशनली कनेक्टेड भी होते हैं लोग जहां रहते हैं उनके लैंड से. तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जो डीकूज थे नाउ दे हैव दी ओनरशिप राइट, उसकी वजह से बहुत सारा यू नो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था. जो ओरिजिनल ओरिजिनल ओनरशिप थी मुंडास के पास, नाउ देवर गेटिंग डिस्प्लेस फ्रॉम देयर लैंड्स. और इंडिजिनस डूलर्स जिन्हें बोलते जो लैंड, जो मुंडास हैं, उनको डिनाई हो रही थी एक्सेस टू द लैंड दे हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन. मतलब लंबे टाइम के लिए जिस लैंड को टिल कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं, उनसे उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो भाई लैंड गया, रिलीजियस रिलीजन गया, कल्चर गया, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली सिनिसिज्म तो धीरे धीरे डेवलप होगा ही लोगों में. एंड देन व्हाट फर्दर दिस द प्रॉब्लम गॉट कंपाउंडेड विथ व्हाट फर्दर डेवलपमेंट, इट वॉज दैट देर वर वेरियस डिबिलिटेटिंग पॉलिसीज. क्या थे वो पॉलिसीज? ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, बेगार सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर. बेगार सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर भी बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स कंपाउंड हो रही थी. धीरे धीरे गुस्सा लोगों में बढ़ रहा था, मुंडास में गुस्सा बढ़ रहा था. तो ये फोर्स बेगार सिस्टम क्या था, जिसमें भाई कुछ आपने यू नो मे बी आई गिव यू सम लोन, आप उसको पूरा नहीं कर पाए, नाउ अब आओ और अब आप मेरे यहाँ काम करो, अब आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो बेगार सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर बहुत ज्यादा प्रिवलेंट था. ऑल्सो क्योंकि कोई प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, फाइनेंशियल, ऑब्वियसली कोई फाइनेंशियल ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जहां से बेचारे ट्राइबल्स जो थे उनको लोन्स मिल सके, या वो पैसे उठा करके कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ भी करना चाह रहे तो उनको क्रेडिट्स ही अवेलेबल नहीं था थ्रू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम या थ्रू सम फॉर्मल चैनल्स. उसकी वजह से वो मनी लेंडर से उनको पैसे
बहुत हेफ्टी इंटरेस्ट रेट पे उठाना पड़ता था, हाई इंटरेस्ट रेट. तो मनी लेंडर्स हैं, दे आर इनफॉर्मल चैनल्स. तो ऑब्वियसली भाई क्या होगा कि आपको मैं पैसे दूंगी, जितना मन करेगा मेरा उतना इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करूंगी. तो उसकी वजह से क्या होता था, कई बार ट्राइबल्स अपनी जमीन भी दे यूज टू लूज, खत्म हो जाता था, उनको पैसे नहीं दे पाते थे. तो मनी लेंडर क्या करता था, उनके जमीन ऑक्यूपाई कर लेता था उनका. तो ये सब प्रॉब्लम जो हो रही थी उसकी वजह से गुस्सा लोगों में बहुत बढ़ रहा था. और अभी हम बात कर रहे हैं, अभी बिरसा मुंडा की का अराइवल सीन में अभी तक नहीं हुआ है. अभी तक सिचुएशन क्या थी और किस तरीके से सिचुएशन, किस तरीके से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, अभी हम वहीं तक पहुंचे हैं. फिर हम बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ेंगे. देन फर्दर कंपाउंड क्या हुआ, देयर वाज अ फेमाइन, देयर वाज अ ऑनसेट ऑफ फेमाइन इन 1896-97 एंड देयर वाज अनदर ह्यूज वेरी वेरी सिवियर फेमाइन इन 1899-1900 एंड दैट रिजल्टेड इन मास स्टार्वेशन अमंग पीपल. तो लोग भूख से मर रहे हैं, लोग का रिलीजन छिन रहा है, लोग की जमीन छिन रही है, लोग की आइडेंटिटी छिन रही है, ठीक है. तो ऑब्वियसली गुस्सा तो बढ़ेगा ही धीरे धीरे, तो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था. और ऊपर से बेचारों के पास पैसे भी नहीं है कि अगर स्टारवेशन है या सब कुछ छिन रहा है, चलो कम से कम पैसे तो हो जेब में कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी स्टार्ट करना जिससे उनको प्रॉफिट मिल सके. तो उसकी वजह से गुस्सा इतना ज्यादा लोगों में था. अब ऑब्वियसली उसको चैनल कोई तो करेगा, कहीं से तो चैनलाइज होगा. तो अब क्या होता है, देयर इज अराइवल ऑफ अ यू नो ह्यूज पर्सनालिटी, अ लीडर, हिज नेम इज बिरसा मुंडा. तो चलिए थोड़ा सा बिरसा मुंडा जी के बारे में जान लेते हैं. तो बिरसा मुंडा की जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कंप्लीट हुई थी सलगा में, एंड जो उनके टीचर थे उनका नाम था जयपाल नाग, ठीक है. तो जयपाल नाग के अंडर उन्होंने पढ़ाई करी प्राइमरी एजुकेशन, और जयपाल नाग का इतना उन पर इन्फ्लुएंस हो गया कि उनके एडवाइस पे ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, बट लेटर ऑन. और उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन बिरसा मुंडा जी को भाई वहां अच्छा नहीं लगा, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है. अब वो बाहर आते हैं, तो क्या हुआ, बिटवीन 1886 एंड 1890 चयबासा पे, ठीक है, चयबासा पे, वहां पे अनदर एक सेंटर था चयबासा, जहां पे सरदारी एजुटेशन चल रहा था. तो आप पॉइंट इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुटेशन है जहां पे बिरसा मुंडा ने अपना काफी टाइम व्यतीत किया. ही स्पेंट अ लॉट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ हिज टाइम इन वेयर चयबासा बिटवीन व्हाट 1886 टू 1890, और वहां पे एजुटेशन चल रहा था सरदारी एजुटेशन. ये एजुटेशन जो था वो अगेंस्ट ब्रिटिश रूल था, बट इट वॉज क्वाइट पीसफुल इन नेचर एंड इट वॉज लेड बाई विच अदर ट्राइब, ओरांव ट्राइब एंड मुंडा ट्राइब. तो ध्यान रखिए, देर इज अनदर नेम ऑफ द ट्राइब दैट इज ओरान एंड मुंडा. तो बिरसा मुंडा जी himself was from Munda tribe itself. तो Oran tribe and Mursa, जो Munda tribe थी, that was leading a peaceful agitation against British rule and its name was Sardari agitation and Birsa Munda was there to witness first hand. तो obviously उन्होंने देखा कि किस तरीके से इस type की agitation कितना big impact ला सकती है. तो obviously he had this experience. Then further, obviously this inspired and he joined an anti-missionary and anti-colonial cause. ठीक है, so it inspired, this movement inspired Birsa Munda and he also joined anti-missionary and anti-colonial cause. For by the time he left Chaibasa, so he left Chaibasa 1890 में, Birsa was strongly entrenched in the movement against the British oppression. तो भाई उनको तो एक चीज क्लियर हो गया था इस एजुटेशन में पार्टिसिपेट करने से, उन्होंने बोला एंटी-मिशनरी और एंटी-ब्रिटिश मूवमेंट तो बहुत जरूरी है क्योंकि वो उनका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत बुरा है एंड इट्स क्वाइट ऑप्रेसिव. ऑलराइट, ही वाज वेरी क्लियर अबाउट इट. सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, सो ऑब्वियसली हिज इन्फ्लुएंस वाज सो मच. अगर आप पैरेलल करेंगे तो गांधी जी से भी पैरेलल कर सकते हैं इनको. जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं तो कैसे ही डज अ टूर ऑफ एंटायर इंडिया एंड ही गेट्स इनटू दिस यू नो ही अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड देन यू नो ही गोज ऑन एंड ही लीड्स लॉट ऑफ अदर मास मूवमेंट्स लाइक चंपारण, अहमदाबाद, ऑल दीज यू नो मूवमेंट्स ही लेड. तो सिमिलरली अब बिरसा मुंडा जी भी सरदारी मूवमेंट से काफी इन्फ्लुएंस है, इंस्पायर्ड थे. तो अब उन्होंने भी, ही ऑल्सो सेज दैट मैं भी अब जो है एंटी मिशनरी और एंटी ब्रिटिश जो एजुटेशन है वही मेरा जीवन है, मैं भी अब उसी मूवमेंट को चलाऊंगा, ठीक है. अब उनको इंस्पिरेशन था. तो ऑब्वियसली व्हेन समबडी इज एक्चुअली डाइंग फॉर सर्टेन कॉज, तो ही विल हैव फॉलोअर्स हु विल फॉलो हिम इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सन. तो बिरसा मुंडा लॉट ऑफ फॉलोअर्स फ्लॉक टू द न्यू रिलीजन एंड ही लाइक यू नो देयर वाज अ न्यू रिलीजन. रिलीजन का नाम क्या था, या सेक्ट कह सकते हैं,
दिस वॉज नेम ऑफ अ बिरसाइट सेक्ट, ठीक है. सो देर वॉज अ बिरसाइट सेक्ट एंड फॉलोअर्स स्टार्टेड फॉलोइंग दिस सेक्ट. सो इन दिस मेंबर्स ऑफ मुंडा एंड ओरान कम्युनिटीज ज्वाइन द बिरसाइट सेक्ट पोजिंग अ चैलेंज टू द ब्रिटिश कन्वर्जन एक्टिविटीज. तो भाई अब ब्रिटिश कन्वर्जन चल रहा है, क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज चल रही हैं और कन्वर्जन चल रहा है, तो अब इसके अगेंस्ट में बिरसाई सेक्ट स्टार्ट कर दिया और बिरसाई सेक्ट में उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो भी करने लगे. तो भाई ब्रिटिशर्स को लगा कि ये गजब बात है, ठीक है, कि जो है बिरसाई सेक्ट फॉर्म हो गया है और दिस इज क्वाइट अ चैलेंज फॉर आर यू नो कन्वर्जन एक्टिविटीज. तो ब्रिटिशर्स को अब भी धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड देन ड्यूरिंग दिस ओनली ही गेव अ स्लोगन, बिरसा मुंडा जी गिव्स अ स्लोगन. व्हाट इज हिज नेम? अबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंडू जाना. इसका मतलब क्या है कि भाई अब क्वीन का किंगडम खत्म करो और अपना राज शुरू करो. हमारा किंगडम, आर किंगडम विल स्टार्ट नाउ एंड लेट्स एंड द क्वीन्स किंगडम, ठीक है. तो दिस इज हिज स्लोगन विच ही गेव. लेट्स मूव फर्दर. देन देयर वाज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय हिम. द मूवमेंट्स नेम वाज उल गुलान मूवमेंट. And what is it, Ulgulan movement? What is it aftermath? That we'll understand. So Birsa Munda launched this movement in 1899. Which year he launched this movement? He launched this movement in 1899 using weapons and guerrilla warfare to drive out the foreigners. Guerrilla warfare क्या होता है? छुप करके, जब घात लगा करके, छुप करके जब वार किया जाता है. और another very famous name in guerrilla warfare is Marathas or Shivaji. He was the, you know, one of the finest वॉर, यू नो, गुरिल्ला वॉरफेयर पर्सनैलिटी. तो बहुत अच्छी गुरिल्ला वॉरफेयर उनके पास स्ट्रैटेजी थी. तो अनदर पर्सन हु इज वेरी गुड एट यूजिंग गुरिल्ला वॉरफेयर इज बिरसा मुंडा एज वेल, ठीक है. नाउ ही इनकरेज द ट्राइबल्स टू फॉलो बिरसा राज. उस टाइम अगर आपको ध्यान हो, अगर आप हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा कि ब्रिटिश राज की बात कर रही थी. दैट ब्रिटिश राज, द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स. तो बिरसा मुंडा जी ने लोगों को इंस्पायर किया कि ब्रिटिश राज नहीं, हम जो है बिरसा राज फॉलो करेंगे, ठीक है. एंड नॉट टू कंप्लाई विद द कॉलोनियल लॉज एंड पेमेंट्स. तो कॉलोनियल लॉज एंड जो पेमेंट है, जो परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इम्पोज करने की कोशिश करी थी वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस को एंड पेमेंट सिस्टम को इन द एरिया ऑफ दैट पीरियड अनडिवाइडेड बिहार, विच झारखंड वॉज पार्ट ऑफ. बिरसा मुंडा जी ने कहा कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे. वी विल नॉट पे द पेमेंट्स एंड वी विल नॉट फॉलो द रूल्स विच आर इम्पोज बाय यू, ठीक है. देन हाउएवर द ब्रिटिशर्स वर सून टू एबल टू हॉल्ट. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ट्राइबल मूवमेंट्स के, अगर आप क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, देखें, अगर आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स का हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, तो आप ये पढ़ेंगे कि जो ट्राइबल मूवमेंट्स का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज ये था कि ये प्रॉपरली वेल कनेक्टेड नहीं था. तो एक ट्राइबल इंडिपेंडेंट फाइट कर रहा है, दूसरा ट्राइबल सोसाइटी या दूसरा ट्राइब जो है वो इंडिपेंडेंट फाइट कर रहा है. देयर वाज नो प्रॉपर नेटवर्किंग, ठीक है. तो उसकी वजह से जो क्रश करना था और जो क्यों, और दूसरी बात ये भी थी कि वेपन्स यूज कर रहे थे. जो नॉन वायलेंट, जब ट्राइबल मूवमेंट्स या कोई भी मूवमेंट नॉन वायलेंट हो जाता है तो उसको क्रश करना बहुत ईजी हो जाता है. तो इसी वजह से जो ये उलगुलार मूवमेंट था, देर वॉज यूज ऑफ वेपन्स एंड गुरिल्ला वॉरफेयर वॉज देयर. दैट इज वाई इट वॉज ईजी फॉर द ब्रिटिशर्स टू सप्रेस द मूवमेंट. एंड लो, उनको पता चल गया तो बस, यस. अब और दूसरी बात ये भी थी कि ब्रिटिशर्स की जो स्ट्रेंथ थी दैट वॉज क्वाइट स्ट्रोंगर. जब ये तीर और भाले यूज कर रहे थे अटैक करने के लिए, तो उस टाइम अंग्रेज जो है बंदूकें इस्तेमाल कर रहे थे. तो उसकी वजह से भी ब्रिटिशर्स वर, it was easy for the Britishers to halt the movement. And what happens on March 3, 900, Birsa Munda was captured and what happens later in jail he dies. Aur aapko bhi bata dun, when he dies in the jail, he was only 25 years old. So aap samajh rahe ho ki ek aadmi, ek insaan जो सिर्फ 25 साल का था, आजकल के अगर जवानों की बात करें, यूथ की बात करें, जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, दिल पे ना लें, लेकिन जनरली अगर आप देखें तो लोग अभी भी एमलेस हैं. 25 एज तक भी उनको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता. दे डोंट नो द एम ऑफ देयर लाइफ. द यूथ इज कंफ्यूज्ड. एंड अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, भगत सिंह की बात करें,
4 साल पे उन्होंने, जब वो बो रहे, वो खेत में कुछ बो रहे थे, he was sowing something with his father asked, बेटा क्या बो रहे हो, what are you sowing, he said, पापा बंदूकें बो रहा हूँ, अंग्रेजों को मुझे मारना है, 4 साल पे, and at the age of 21, Bhagat Singh, you know, he took up a lot of activities against the British Raj. भगत सिंह की क्यों बात करें, और बहुत साल पहले अगर हम जाएं तो 1900 में, तो 25 साल पे बिरसा मुंडा जी अपनी जान दे देते हैं इतने बड़े कॉज के लिए. तो आप सोचो कि उस टाइम कि क्या कितनी मेंटल स्ट्रेंथ रही होगी लोगों में. फर्दर तो अब जो ये उलगुलार मूवमेंट था, बिरसा मुंडा जी की जो एक्टिविटीज थी, उसकी वजह से उसका आउटकम क्या हुआ, उसका पॉजिटिव आउटकम रहा होगा. जब भी आप हिस्ट्री पढ़े, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू रीडिंग अबाउट सम इवेंट, ऑलवेज रीड बिफोर व्हाट हैपेंड बिफोर दैट पर्टिकुलर इवेंट एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इवेंट. सो वी हैव ऑलरेडी रेड व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर बिरसा मुंडा अराइव्स इन द सीन, देन वी रीड अबाउट बिरसा मुंडा, नाउ वी विल बी रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर द मूवमेंट व्हिच वाज लेड बाय बिरसा मुंडा, उलगुलार मूवमेंट एक्सेट्रा. सो व्हाट हैपेंस, so he mobilized the tribal community for protecting their land rights and it was quite remarkable mobilization and it was one of the such earliest moment. us time jab abhi awareness nahi thi logo mein ki foreigner aa chuka hai, wo rule kar raha hai hum pe, theek hai, aur iska sahi impact nahi hai, religious conversions ho raha hai, aap apne bhagwan bhi kho rahe ho, aap apne लैंड राइट्स भी खो रहे हो, रोटी कपड़ा मकान सब खो रहे हो, और कोई और आपको इम्पोज करके दे रहा है इवन लॉज भी, ठीक है. तो उस टाइम ये जो मोबिलाइजेशन था बिरसा मुंडा का, इट क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग ट्राइबल मूवमेंट, अमंग ट्राइबल सोसाइटी, कि भाई ये गलत है, वी हैव टू रेज वॉइस अगेंस्ट इट. एंड देन फर्दर दिस मूवमेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट रिपील ऑफ बेगार सिस्टम. तो आपको मैंने बताया था कि जो ट्राइबल सोसाइटी थी, मुंडा ट्राइबल सोसाइटी थी, दैट वॉज ऑल्सो सफरिंग थ्रू बेगार सिस्टम, दैट इज फोर्स लेबर, इट वॉज ऑल्सो रिपील्ड बाई द गवर्नमेंट. देन फर्दर it led to tenancy act of 1903. what was it, and because of this tenancy act it recognized the khunta khatti system. aapko maine bataya tha before the bringing permanent settlement into the area, that time and of that times undivided Bihar, there was among the munda tribes there was a system of land ownership right, and what was that, khunta khatti system. now after this revolt permanent settlement ab no longer was applicable in this area to the Munda area, a Munda society. Now tenancy act 1903 now has restored the Khunta Khatti system, that was customary rights on land ownership etc. then Chota Nagpur tenancy act 1900 was also banned the passage of tribal land to non tribal folk. so fir Chota Nagpur jo tenancy act 1908 ka laya gaya, and isne kya kiya, it banned the passage, matlab jo transfer hai, जो ट्राइबल लैंड्स का ट्रांसफर टू नॉन ट्राइबल जो फोक्स थे, उनको ऐसी कोई भी ट्रांसफर को बैन कर दिया गया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के थ्रू. सो यस, दिस इज इट अबाउट टुडेज बिरसा मुंडा टॉपिक. इट इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारी इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट, उसका वॉर क्राई है जय भीम, बिरसा मुंडा की जय. इसी के साथ आई विल सी यू इन अनदर सेशन, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बर्निंग टॉपिक, यूटिलाइज योर डे, मेक योर प्रिपरेशन फ्रूटफुल. सी यू ऑल, थैंक यू.